दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसीएसई क्लास 9-10 के साहित्य सागर के बारे में। बात करने साहित्य सागर के पद्य भाग के अंतर्गत वह जन्मभूमि मेरी कविता का पाठ करेंगे और इसकी व्याख्या और उसे समझेंगे। वह जन्मभूमि मेरी कविता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें आपने मातृभूमि भारत का यशगान किया है। तो इस कविता में आपने क्या क्या बातें कही हैं और इसकी व्याख्या किस प्रकार होगी, क्या आपने कहा है कविता के माध्यम से, आज हम लोग इस बारे में बात करने चल रहे हैं। इसके पहले भी hindikunj.com में और hindikunj यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें प्रश्नोत्तर, व्याख्या, उद्देश्य सभी के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे एक विस्तृत रूप से हम लोग आज व्याख्या करने चल रहे हैं, भावार्थ समझने चल रहे हैं। तो यदि आप hindikunj चैनल में पहली बार आए तो hindikunj चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। पहले हम लोग बात करेंगे कवि जी के बारे में। तो कवि सोहन लाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय क्या है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है, इस पर बात करने चल रहे हैं। देखिए, श्री सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सन 1938 से लेकर 42 तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। तो सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। 1938 से लेकर 42 तक ये अधिकार नामक एक समाचार पत्र था, जिसका ये संपादन लखनऊ से करते रहे। अब इनकी कविता संग्रह में भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वास, वदता और विस्पान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य है। तो भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय में इनके काव्य संग्रह है, और कुणाल एक ऐतिहासिक प्रबंध जो कि इतिहास के संबंधित है, प्रबंध काव्य है, और वासव, दत्ता और विस्पान इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य है। अब द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है, जो कि बच्चों से संबंधित है, जिसमें दूत, बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बाल उपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, देश स्वाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। तो इन्होंने बच्चों के लिए उपयोगी कविताएं भी लिखी, जिसमें प्रसिद्ध हैं दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके काव्य की मुख्य विशेषताएं, जिसमें इन्होंने सम्मिलित किया है गांधीवाद को, राष्ट्रीय जागरण को, स्वदेश अभिमान को, भारत की पुरानी पुरातन गरिमापूर्ण संस्कृति को, ग्राम का उद्धार किस प्रकार किया जाए, हरिजन उद्धार किया जाए और समाज सुधार किस प्रकार हो। इनकी भाषा बहुत ही सरस और ऊर्जपूर्ण है। 1988 में इनका निधन हो गया। देखिए, मुख्य मुख्य बातें ये हैं कि सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म फतेहपुर में हुआ और एक पत्र अधिकार का ये लखनऊ से संपादन करते रहे। इनके काव्य संग्रह में भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत है, कुणाल प्रबंध काव्य है, और वासव, दत्ता और विस्पान इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। इन्होंने बच्चों के लिए उपयोगी कविताएं लिखी, जिसमें दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ आदि हैं। इनके काव्य में गांधीवाद है, राष्ट्रीय जागरण है, देश की अच्छी संस्कृति, गरिमापूर्ण संस्कृति के बारे में बात की गई और समाज उद्धार के बारे में बात की गई। इनकी भाषा सरज और ऊर्जापूर्ण है, और 1988 में आपका निधन हो गया, देहांत हो गया। तो इस प्रकार मुख्य मुख्य बातें हो गई कि सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप क्या क्या मुख्य मुख्य बातें को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अब हम आते हैं कविता की तरफ। कविता हुआ जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि का अर्थ होता है जहां पे आप पैदा हुए हो, जहां आपकी जन्मभूमि हो, मदरलैंड हो। तो मदरलैंड या जन्मभूमि हमारी कौन है? भारत माता है। भारत में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए जन्मभूमि हमारी क्या हो गई? भारत माता, भारत देश हमारा जन्मभूमि मानी जाएगी। तो इसमें क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं? वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग खड़ा निराली पग पग पर छह रही है। वह पूर्णभूमि मेरी, वह स्वर्णभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इस प्रकार वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, इसका कहने का अर्थ यह है कि
भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है या मातृभूमि है, हमारी माताओं की भूमि हमारी जन्मभूमि यही है। इस पर भारत के ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के आप यदि मैप देखें तो आप पाएंगे कि उत्तर की तरफ देखिए ये रहा हिमालय और उत्तर दिशा में विशाल हिमालय पर्वत है जो इतना ऊंचा है कि लगता है कि वह आकाश को छू रहा है, और इसके पैरों की तरफ समुद्र है। भारत माता के भारत देश के पैरों की तरफ समुद्र है और लगता है जैसे उसके चरणों को धो रहा है। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। त्रिवेणी का अर्थ है तीन नदियां गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे बह रही हैं जो देश को हमारे बहुत ही धन धान्य से पूर्ण रख देती हैं, इतना अनाज पैदा करती हैं कि हमारा देश अन्नपूर्णा हो जाता है और इसकी शोभा बड़ी ही अनोखी है। और यहाँ की नदियों की लहरें लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। यह हमारे पूर्वज कुछ अच्छे कार्य कर गए थे इसीलिए हमारी मातृभूमि सोने के समान पवित्र हो गई है, और यह हमारी जन्मभूमि है और पूर्ण भूमि है। यह माता के समान दुलार करती है, ममता देती है और हमारा पालन पोषण करती है और हमें पग पग पर छहर रही है। इसकी छटा इसकी शोभा बहुत ही निराली है, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। तो इसके बाद है झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन तन सवारती है, वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, तो कभी कहता है कि भारत की शोभा इतनी अलौकिक है कि यहाँ पे अनेक झरने बहते हैं, पहाड़ों से अनेक झरने बह रहे हैं तो झाड़ियों में पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है। अमराइयों का मतलब आम के बाग, अमराइयों का मतलब होता है आम के बाग, आम के बाग की घनी डालियों पे कोयल मीठी मीठी बोली बोल रही है, और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु बहुत ही अच्छी वायु लोगों को मदमस्त कर दे रही है जो लोगों के तन मन को संवार दे रही है, और लोगों का मन ऐसे पवन में प्रफुल्लित हो जाता है। भारत एक धर्मभूमि है जहां पे लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म भीरु लोग हैं, धर्म को मानते हैं, कानून से भी ज्यादा धर्म को मानते हैं और वे धर्म के रास्ते पर चलते हैं, और यह कर्म भूमि है और यह धर्म हमारा हमें कर्म की ओर प्रेरित करता है कि कैसे हम ज्यादा कर्म करें। भगवान कृष्ण ने भी कर्मवाद की प्रधानता कही है और कर्मवाद की ओर जोर दिया है, हमें कर्म की ओर प्रेरित करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यह हमारी यह कर्म भूमि है, हम लोगों ने यही जन्म लिया है और हमारी माता के समान है, और माता जिस प्रकार पालन पोषण करती है वही वैसे ही हमारा भारत देश हमारा पालन पोषण कर रहा है, इसीलिए यह हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि है। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में हम जान पाए कि भारत के पहाड़ों से अनेक झरने बहते हैं और चिड़िया चहकती हैं, आम की घनी बगीचों में कोयल की मीठी बोली सुनाई पड़ती है, और मलय पर्वत से आने वाली हवा लोगों के तन मन को झकझोर देती है और उनके तन मन को प्रफुल्लित कर देती है। भारत एक धर्मभूमि है, यहाँ के लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं और यह कर्म धर्म हमें कर्म की तरफ ले जाता है। यह हमारा जन्मभूमि है और हम यहीं पे पैदा हुए हैं और माता के समान हमारा पालन पोषण यह हमारा देश हमको करता है। अब देखिए, जन्मी जहां थे रघुपति जन्मी जहां थे सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां थे रघुपति जन्मी जहां थे सीता, रघुपति का अर्थ होता भगवान श्री राम। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि यह वीरों की भूमि है, ये महान लोगों की भूमि है, यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता माता ने जन्म लिया था, और इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था और बंसी बजाई थी और बंसी बजाकर गीता का उपदेश लोगों को दिया था और जिसमें निष्काम कर्म का संदेश दिया था, इसीलिए हमारी ये कर्मभूमि है। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया था और अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया था, और उन्होंने कहा था कि सारी सांसारिक मोह माया को त्याग कर ज्ञान की खोज करो, इससे हमारा भारत का सुयश बढ़ा और यश बढ़ा, लोगों के को अच्छी बातों की तरफ मुख मोड़ा, लोगों को अहिंसा धर्म और प्राणियों पर दया का पाठ पढ़ाया गया,
लोगों को जग को दया दिखाई, यानी कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलें और सभी प्राणी मात्र पर ही दया करें। और उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया भगवान बुद्ध ने, और इस प्रकाश से हमारे देश के साथ ही साथ पूरा दुनिया, पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। तो जग को दया दिखाई, जग का मतलब होता है विश्व। तो हम लोगों ने ही दुनिया को दया का मार्ग दिखाया कि लोगों को प्राणी मात्र के प्रति भी दया करनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। और यह सहानुभूति रखकर ज्ञान का दीपक जलाया भगवान बुद्ध ने, और उसका प्रकाश हमारे देश के साथ साथ ही पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। यह हमारी भारत भूमि युद्ध भूमि भी है, जहां धर्म युद्ध लड़े गए, जैसा कि महाभारत। यहां पर धर्म युद्ध भी लड़े गए, और ज्ञान प्राप्ति करने के कारण यह बुद्ध भूमि भी है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, इसलिए बुद्ध भूमि है। यहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया है और लोगों ने लोगों को ज्ञान दिया है। यह हमारी बुद्ध भूमि है, और भगवान बुद्ध ने यहाँ जन्म लेकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। तो बुद्ध ने शांति, अहिंसा व सत्य का ज्ञान लोगों को दिया। हमारी यह जन्मभूमि है और यह मातृभूमि है। हम यहीं पर जन्म लिए हैं और माता के समान यह हमारा पालन पोषण करती है। तो पहले पैराग्राफ में यह है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। इसका अर्थ यह है कि ऊंचा हिमालय एक बहुत ही ऊंचा है और यह आकाश को चूमता है, और हिमालय का चरण धोता हुआ समुद्र और गंगा, यमुना और पवित्र नदियां हमारे देश को हरियाली और समृद्धि प्रदान करती हैं। ऊंची पहाड़ियों से, दूसरे पैराग्राफ में, ऊंची पहाड़ों से बहते झरने, आभा के वृक्षों पर कूकती, आम के वृक्षों पर कूकती कोयल, और मंद मंद बहती हुई हवा और सुगंधित पवन हमारी भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते ही हैं। हमारा देश उन बीरों में है, उन बीरों को जन्मदाता है, जहां पर भगवान राम, बुद्ध, श्री कृष्ण आदि लोगों ने गीता का पाठ पढ़ाया लोगों को। और यह बीरों की भूमि, जिसकी रग रग में वीरता, शौर्य, धर्म, धैर्य, सहानुभूति और मानवता जैसे गुण विद्यमान है। यहाँ पर भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और इस भूमि का मान बढ़ाया है। इसीलिए कवि कहता है कि यह धर्म भूमि है, यह कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है और यह स्वर्ण भूमि है। कवि को यह गर्व है कि हम लोगों ने ऐसे देश में जन्म लिया है, और भारत भूमि हमारी मातृभूमि है। अतः आज के लोगों को भी, आज के जो युवा है, इन लोगों से प्रेरणा ग्रहण करें और अच्छे कर्मों द्वारा देश को गौरवान्वित करें। आज हम भारतवासी भारत की प्रकृति से, भारत के लोगों से, भारत की जन्मभूमि से, भारत के मिट्टी से प्रेम करें, और हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए हैं उनसे अवगत हों, और गौतम बुद्ध, गांधी आदि के कर्म के संदेश को जानें और उनके अनुसार आचरण करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं, पहले पैराग्राफ में ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़े नित सिंधु झूमता है, गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छड़ा निराली पग पग पर छर रही हैं। तो इसमें बताया कि बहुत ऊंचा हिमालय है जो कि आकाश चूमता है, नीचे सिंधु, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, भारत के पैरों को धो रहा है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां बहुत विस्तार पा गई हैं और बहुत ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे बह रही हैं, जिनसे छटा बहुत ही अच्छी हो गई है, भारत की सुंदरता बढ़ गई है। यह पूर्ण भूमि है, यह स्वर्ण भूमि है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं, यह जन्मभूमि है, यहाँ पे अनेक झरने बह रहे हैं, चिड़िया आम के बागों में और झाड़ियों में चहक रही हैं, अमराइयों में आम के बागों पर कोयल मीठी मीठी आवाज सुना रही है, बहुत अच्छी अच्छी सुगंध हवा बह रही है जो लोगों के तन मन को प्रफुल्लित कर दे रही है। यह धर्मभूमि है, यहाँ पे लोग कर्म की ओर बढ़ते हैं, धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। यहाँ पे भगवान राम जन्म लिए थे, यहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और अपनी बातें गीता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई थी। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और लोगों को दया, धर्म और शांति, अहिंसा आदि का पाठ पढ़ाया था। यह युद्ध भूमि है क्योंकि यहाँ महाभारत हुआ था, और यह जन्मभूमि हमारी बुद्ध भूमि, यहाँ पे बड़े बड़े महान लोग आए और ज्ञान का दीपक जलाया, और उस दीपक के साथ ही, उस प्रकाश के साथ ही हमारे देश के साथ साथ ही पूरा विश्व भी प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार हम जान पाए कि इनके माध्यम से, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम हो, इन लोगों की भूमि है जिनके माध्यम से यह धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि
और बुद्ध भूमि बन पाई है। यहाँ पे श्री कृष्ण ने वास्तविक प्राण सुनाई और गीता का ज्ञान दिया और गौतम बुद्ध ने संसार को दया प्रेम सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो बहुत ही छोटी कविता है, इसके माध्यम से आप अपनी बातें समझ पाए हैं और अपनी परीक्षा इसके संबंधित वीडियो जिसमें प्रश्न उत्तर के बारे में बात कही गई, वीडियो और पहले हिंदी को यूट्यूब चैनल पर बताया गया था जिसको आप देख सकते हैं। यदि आपको यह व्याख्या और प्रश्न उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो आप hindiquiz.com को विजिट करें, वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप hindiquiz चैनल में पहली बार आए तो hindiquiz चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपने अध्ययन से संबंधित अध्ययन सामग्री नोट्स प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।